हेलो फ्रेंड्स, जेई मेन 2020 कट डे वन 7 जनवरी को कंप्लीट हो गया है। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अभी हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भावुक ना हो, बट कॉन्सेप्ट्स देखें कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से कवर हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर कवर हुए हैं, ठीक है। मेजर टाइम अपन उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने हमारा जेई मेन का लाइव कोर्स अटेंड किया है या फिर बाद में रीकैप के अंदर देखा है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते देखेंगे जो अपन ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस कोर्स के दौरान, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेमोरी बेस पे ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ऑप्शंस हो सकता है आगे पीछे हो, क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो, डजंट मैटर, ठीक है। बट अपने को कॉन्सेप्ट और वेटेज देखना है, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज मिला है, ठीक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है मेरे को, ई रेस टू द पावर y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक। अच्छा, और क्या दिया गया भाई साहब, एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि y एट x इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। मतलब फंक्शन की वैल्यू x की जगह जीरो रखने पे जीरो। ये जो एक कंडीशन होती है, ये बाउंड्री कंडीशन कहलाती है, जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको निकालने के लिए दी रहती है, ठीक। और एफ ऑफ वन की वैल्यू पूछी गई मेरे पास, क्लियर, ओके। चलिए, ऑप्शंस और उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुद्दे की बात ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी, ठीक है। चलिए, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं पहले के भी, नहीं देखे हो तो अब जरूर देखिएगा, ठीक है। अप्रैल वाले अटेम्प्ट से पहले भी जरूर देखिएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने 10-11 दिन के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए उस तरीके के क्वेश्चन लिए थे, ठीक। चलिए, तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन मैं देखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉर्मली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मेरे मन में एक बार तो ख्याल आता है कि कहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नहीं। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप्स की, करेक्ट है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो सब वाले कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी तो लग रही थी, लेकिन ये ई रेस टू पावर वाई मेरे को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। कुछ लोगों ने क्या ट्राई किया होगा ना, ई रेस टू पावर वाई से डिवाइड कर दिया होगा, तो यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई बन जाएगा। राइट साइड में सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो थोड़ी सी दिक्कत थी, ठीक है। तो मेथड वन सुनो, एक होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा कुछ कुछ खेलिए आप उसके साथ। अगर वो ये लिखा हुआ है ना, यही तो है क्वेश्चन, ठीक। मैंने ऐसे ही ई रेस टू पावर वाई को टी मान लिया, ई रेस टू पावर वाई को मैंने टी माना एक बार, रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर मैं इसे टी मान लेता हूँ तो ये वाली फॉर्मेट बन सकती है, ठीक है। P तो ठीक है, उसका जो कॉफिशियंट है उससे फर्क पड़ता है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ई रेस टू पावर वाई को अगर मैंने टी मान लिया, तो ई रेस टू पावर वाई का डिफरेंशियन ई रेस टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई का डिफरेंशियन, फिर टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। ये पूरी जो चीज़ है ये किसमें चली गई, डी टी बाई डी एक्स, ठीक। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये वाला चीज़ टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, ये क्यू का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज माइनस वन, ये पी का काम कर रहा है, ठीक है। ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स किसका काम करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत सही। तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद क्या कर सकते हो, सॉल्व हो गया भाई साहब, सॉल्यूशन लिखो डायरेक्ट। क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, है ना। तो e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ये गॉन, क्या बचा, वन, वन का वन डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी, टी की जगह e रेस टू द पावर वाई माइनस एक्स, ये बन गया भाई साहब, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें 0.0 रख सकते हो, अरे मास्टर 0.0 कहाँ से लाए, अरे यार y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.0 दी हुई थी, तो इसमें 0.0 रख दिया, इसकी जगह रखा 0, इन दोनों की जगह रखा 0, e रेस टू पावर 0 बन गया 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, यार इस स्पीड पे तो करना पड़ेगा भाई साहब, तो ये बन गया e रेस टू द पावर y माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 1। थोड़ा अच्छे से लिख लो, y इज इक्वल टू x प्लस ln x प्लस 1,
इसमें x की जगह क्या डालना है, 1 डालिए, क्या बनेगा, 1 plus ln 2, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल इंसान की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, जो कि क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स, ठीक है। एक मैंने इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाऊँ। अगर कर पा रहा हूँ ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। देखिएगा एक बार ध्यान से, क्या किया मैंने, e raise to the power y, e raise to the power x को इधर डिवाइड कर दिया, ऐसे ही यार, ऑब्जर्वेशन, इसको लिख सकता हूँ dy, dx को इधर, टुडुक टुडुक, dx इधर चला गया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यार, इसको जैसे ही मैंने देखा ना कि दिस इज नथिंग बट d ऑफ y माइनस x इज इक्वल टू dx, मैं तो पागल हो गया खुशी से भैया, मजा आ गया, खत्म हो गया गेम ही, है ना। ये देखो e raise to the power मसाला, इसे मसाला मान लो थोड़ी देर के लिए, d मसाला, e raise to the power मसाला, d मसाले का इंटीग्रेशन कितना होगा, e raise to the power मसाला प्लस c, खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, समझ रहे हो क्या, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो y e raise to the power y माइनस x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, इसके आगे मैं ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुका हूँ, ये रहा यहाँ पे, यही तो स्टेप थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।